हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम यहाँ पर क्लास सेकंड की हिंदी व्याकरण की बुक व्याकरण मेदिनी से चैप्टर एट सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होता है, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो क्या है सर्वनाम? संज्ञा के स्थान पर जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो आपका नाम ही क्यों ना हो, आप अपने नाम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अपने नाम की जगह पर आप जो भी शब्द दूसरे शब्द लिख सकते हैं, वो क्या है? सर्वनाम। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, तो आइए हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। पेज नंबर 44 यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है उसे हम देखते हैं। ओके, तो कुछ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में, इस चित्र में हम देख सकते हैं दो चित्र दिए हैं। ओके, तो राम नाश्ता कर रहा है, राम नाश्ता कर रहा है, इसका नाम क्या है? राम। ओके, अब राम स्कूल जाएगा, नाश्ता करने के बाद क्या करेगा? स्कूल जाएगा। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं और लिख सकते हैं कि राम नाश्ता कर रहा है, अब वह स्कूल जाएगा। इस सेकंड जगह पे जो राम दिया है, इसकी जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं? वह। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संज्ञा क्या है? राम। और दूसरे उदाहरण में, दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं राखी कहाँ जा रही हो, राखी राखी तुम कहाँ जा रही हो, राखी राखी कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर ये राखी है और ये क्या कर रही है? पूछ रही है राखी कहाँ जा रही हो। यहाँ पर अब जब कोई पूछेंगे तो यहाँ क्या कहलाएगा? राखी तुम कहाँ जा रही हो। ओके, तो यहाँ पर राखी राखी टू टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, बल्कि जो दूसरी जगह पे जो राखी दिया है, इसके जगह पे कौन सा सर्वनाम यूज़ कर सकते हैं? तुम। ठीक है, यहाँ पर दूसरे राखी जो दिया है उस जगह पे तुम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो तुम है, ये क्या है? सर्वनाम है। ओके, यहाँ पर दिया है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे कौन कौन से सर्वनाम हैं? मैं, वह, हम, आप, तू, वे, तुम, आप, आपका, हम, हमारा। ठीक है, यह, वह, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। हे भगवान तू बड़ा दयालु है, तो यहाँ पर तू शब्द है वो क्या है? सर्वनाम है। भोला तू कहाँ जा रहा है? तू। ओके, यहाँ पर भोला तू कहाँ गया, तू कहाँ गया था और कहाँ गए थे, तो यहाँ पर क्या आएगा? भोला तुम कहाँ गए थे, भोला तू कहाँ गया था। ओके, तो यहाँ पर तू और तुम, और ये यहाँ क्या आएगा? ये भगवान तू बड़ा दयालु है, यहाँ पर तू की जगह पर क्या कर सकते हैं? तुम। तू भी लिख सकते हैं और तुम भी। ओके, नेक्स्ट है पिताजी आप मुझे भी बाजार ले चलिए, तो यहाँ पर क्या है? आप। ये क्या है नेक्स्ट में? ये मेरे गुरुजी हैं, तो ये। ओके, तो ये क्या है? ये सभी सर्वनाम है। और सर्वनाम के भेद में हम देखेंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ओके, तो सबसे पहले पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मतलब जो स्वयं बोलने वाला होता है वो क्या है? पुरुषवाचक, जिसे इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। ओके, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन कौन से हैं? हम, तुम, वह, वे। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद हैं। इसके अंदर में भी क्या आएगा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये क्या है इंग्लिश में हम कह सकते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण दिया है उत्तम पुरुष, मतलब अपने लिए, जो खुद बोलता है, जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुष होता है। तो वो अपने लिए क्या यूज़ करता है, कौन सा शब्द यूज़ करता है? मैं या हम। एक वचन में मैं और बहुवचन में हम।
और मध्यम पुरुष मतलब जिससे बात की जाती है, और जिससे बात की जा रही है जो फर्स्ट पर्सन दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, तो जो सुनने वाला व्यक्ति होगा वो क्या आएगा, वो मध्यम पुरुष। ठीक है, जो सुन रहा है वो एक वचन के रूप में कौन सा शब्द यूज़ करेगा, तू, और बहुवचन के लिए के रूप में तुम या आप। और जो अन्य पुरुष, अन्य पुरुष मतलब किसी अन्य के लिए, मतलब जो जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है, अन्य पुरुष। ठीक है, तो वो फर्स्ट पर्सन एक वचन के रूप में, अन्य पुरुष एक वचन के रूप में क्या यूज होता है, वह, और बहुवचन के रूप में वे। ओके, नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का पता चले उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये और वे, मुझे यह दे दो, उसे उठा लाओ, यह बहुत महंगा है, तो यह, वह, इसे, उसे। ओके, नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है, नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, तो यहाँ पर कुछ निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति को नहीं बताया गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हैं, कोई दरवाजे पर है, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कौन है, कुछ मिल गया है, कुछ मतलब निश्चित नहीं है कि क्या मिल गया, पता नहीं है, कुछ खो गया है, मतलब कुछ पता नहीं है कि क्या खो गया है, तो ये क्या है, कोई, कुछ, ये क्या है, अनिश्चय। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम से संबंधित होते हैं, मतलब रिलेटिव्स होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जैसा, तैसा, ये क्या है, जो, जैसा, वैसा, ये सब क्या है, ये संबंधवाचक, मतलब संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो पढ़ेगा वही पास होगा, तो जो मतलब यहाँ पर क्या है, जो का संबंध किससे बता रहा है, पढ़ने का, मतलब जो पढ़ेगा वही पास होगा। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने का संबंध बता रहे हैं, वही। ठीक है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ओके, तो यहाँ पर जैसा का संबंध किसके साथ बता रहा है, वैसा के साथ। इसके अलावा हम देख सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वे प्रश्नवाचक शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है, और नहीं समझ में आएगा तो बार बार इसे रीडिंग करना है। ओके, जैसे कौन कौन से हैं, प्रश्न सूचक, मतलब प्रश्न पूछने के लिए कौन कौन से शब्द यूज़ करते हैं, कौन, क्या, किसे, किसको। ओके, जैसे सलमा के साथ कौन आई है, यहाँ उदाहरण है, मतलब यहाँ कौन सा प्रश्नवाचक, कौन। बाजार से क्या खरीदा, यहाँ पर क्या है प्रश्नवाचक, क्या। पर्स किसे दूँ, यहाँ पर क्या है, किसे। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होती हैं, जहाँ वक्ता अपने लिए, आप, अपने आप या स्वयं आदि शब्दों का प्रयोग करता है, तो वो क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम। मतलब जो बोलने वाला है, जो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए कौन सा शब्द यूज़ करता है, आप, अपने आप या स्वयं। तो यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं, राजू स्वयं काम करता है, मतलब राजू स्वयं अपना काम करता है, स्वयं मतलब खुद अपने आप। ओके, भैया इस काम को स्वयं कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या है, स्वयं। ओके, मैंने अपना काम खुद किया। ठीक है, मैं अपने आप चला गया, अपने आप। ओके, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा, आपको आपकी बुक भी फिल करना है देख के। ओके, थैंक यू।